पढ़ाई कर रहे थे ना लोग ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी तो चल ही रहा है। एक स्कीम बताते हैं, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, थोड़ा पढ़ाई से हटके कुछ करंट इश्यू पे बात करते हैं। एक स्कीम चल रहा है देश में, देश की एक आईआईटी है, आईआईटी गांधी नगर, भारत में एक आईआईटी है, आईआईटी गांधीनगर एक प्रोजेक्ट चला रही है। कौन क्या चला रही है? एक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट इसाक। क्या है प्रोजेक्ट इसाक? जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट इसाक, ध्यान सुनिए, प्रोजेक्ट इसका प्रोजेक्ट इसाक जो स्कीम चल रहा है, ये आईटी कौन चला रहा है? गांधीनगर। आईटी गांधीनगर प्रोजेक्ट इसाक चला रहा है। इसका इसाक चलाने का एक पर्पस क्या है? एक्चुअली क्या नाम है, आईटी गांधीनगर चाह रही है कि बच्चे कब क्या हो गया है, छुट्टी हो गया है, बच्चे क्या हो गए हैं, घर पे चले गए हैं, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। और ये पढ़ाई पीरियड क्या है? आईटी में 4 साल बच्चा आईटी का सिलेबस पढ़ता है, उसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं कर पाता है। तो आईटी गांधी नगर क्या किए, प्रोजेक्ट इसाक चला। इसाक क्या है? इसाक प्रोजेक्ट में ये कही है कि क्रिएटिविटी सिखाएंगे हम वहां के बच्चों को। क्या सिखाएंगे? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या है? राइटिंग स्किल। कौन सा? राइटिंग स्किल पे कंपटीशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कंपटीशन पेंटिंग पे। किस पे? पेंटिंग पे, म्यूजिक पे, पेंटिंग म्यूजिक कोडिंग। और फिर क्या कराएंगे? पेंटिंग म्यूजिक राइटिंग स्किल। कौन कराने की बात कर रही है? आईआईटी गांधीनगर। यानी कि आप प्रोजेक्ट क्या है? इसाक। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम इसाक क्यों रखा गया होगा? यही बात है, यही कहानी हम आप लोगों को बताने के लिए ये मैं लिखा था कि एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट इसाक चलाने का मतलब क्या है। न्यूटन का नाम सुने होंगे, उनका नाम आइजैक न्यूटन। क्या है? आइजैक न्यूटन। और यही आइजैक है। क्या है? आइजैक प्रोजेक्ट, आइजैक। यानी कि आइजैक न्यूटन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1661 में उनका एडमिशन होता है, तो वो पढ़ने में उनको मन नहीं लगता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था का मतलब क्या हुआ कि सिलेबस उनको बहुत पुराना लगता था, और कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं होने की वजह से उनका मन लगता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, चौथी साल जब वो अपने कॉलेज में थे, उसी समय इंग्लैंड में बीबोनिक नाम का एक पेंडेमिक आया। कौन सा नाम का? बीबोनिक नाम का एक पेंडेमिक आता है। ध्यान से सुनिए, अच्छे लोग कभी करते हैं, जब परिस्थितियां सबके विपरीत हो ना, तब अच्छा इंसान निकल कर सामने आता है। बीबोनिक नाम का एक पेंडेमिक आता है, और पेंडेमिक मतलब महामारी। क्या आती है? महामारी आती है। और कहाँ आती है? इंग्लैंड में। और यही लॉकडाउन हो जाता है इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में लॉकडाउन हो जाता है, न्यूटन सारे विद्यालय, जैसे आज सारे विद्यार्थी कहाँ पहुंच गए? घर पे पहुंच गए, विद्यालय बंद हो गया है, कॉलेज बंद हो गया, सब कुछ लॉकडाउन है। उस समय भी 1665 में, कब? 1665 में यही हुआ था कि बीबोनिक नाम का जब पैंडेमिक आया था, और न्यूटन जब अपने आइजैक न्यूटन जब अपने घर गए, तो वो इसी सब चीजों से तो परेशान थे। वो उनको लगता था कि कॉलेज में जितनी सिलेबस पढ़ाई जाती है सब पुराना है, जितने थ्योरी है सब पुरानी है, कुछ हमें अच्छा सीखने को नहीं मिलता है। जब ये लॉकडाउन की स्थिति में जब वो अपने घर बैठे रहते हैं ना, उसी समय आइजैक न्यूटन ने दुनिया को 3 लाख खोज के दिया। कौन कौन सा लाभ? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का लाभ तभी खोजे जब वो कॉलेज से घर गए थे, तभी वो ऑप्टिक्स का भी थ्योरम दिए थे, और उसी समय कैलकुलस का भी थ्योरम दिए थे। तो ये कहते हैं क्या ना, वक्त कभी बुरा नहीं होता है, किसी भी समय वक्त बुरा नहीं होता, बस हमारे और आपकी सोच पे निर्भर होता है, हम उस वक्त को किस तरह से यूज कर रहे हैं।
ठीक है इस समय लॉकडाउन है, हम मानते हैं कि पूरे देश में इस समय लॉकडाउन है, लेकिन क्या है अगर हम कोई बच्चा है जिसको कॉलेज के एक भाग दौड़ जिंदगी से मतलब टाइम नहीं निकाल पाता होगा या उसको वक्त नहीं मिल पाता होगा, तो क्या कर सकता है, कुछ अच्छा क्रिएटिविटी कर सकता है। जो लोग रोज ड्यूटी करते हैं, जिनको अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने फैमिली को टाइम दें, क्या कुछ और एक्स्ट्रा सीख लें, कुकिंग सीख लें या चाहे कोई और चीजें सीख सकते हैं। लेकिन क्या था, आप अगर उस वक्त को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, अगर वो पेंडेमिक नहीं आया होता बिगोनिक नाम का, तो दुनिया तीन ला नहीं पाई होती, ना ग्रेविटी का ला पाई होती, ना कैलकुलस का, और ना ही किसका ला, ऑप्टिक्स का। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यही बात है, वक्त कभी भी बुरा नहीं चल रहा होता है, बस आपके और हमारे सोच पे है कि वो हमारे लिए अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी पता है कि रोज भाग दौड़ की जिंदगी में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, लेकिन टाइम तो मिला है ना, सिर्फ सब कुछ स्थिर है, सिर्फ वक्त ही चल रहा है। प्लीज जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल रहा है लाइफ में, उसका हम क्या करें, प्रयोग करें। और क्या हुआ कि इस समय लॉकडाउन के समय में ना भारत सरकार क्या की है कि जो लोग वल्नरेबल सेक्शन या पॉवर्टी, जो गरीब है ना, उनके लिए कुछ प्रावधान किए हैं ताकि वो लोग कि जीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, गरीब, किसके ऊपर, गरीब का। तो आईटी गांधीनगर के स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं इस समय, हाँ हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं छुट्टी मिला तो हम कहाँ चलते हैं, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जारी हुआ है, क्या जारी हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। हम चाहते हैं ना ये बातें आप लोगों को इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि YouTube के ही माध्यम से या किसी माध्यम से किसी भी गरीब के साथ, अगर प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के साथ अगर पैकेज जारी हुआ है तो सब लोग इसके बारे में जाने, सब लोग उसका लाभ ले सकें। नहीं तो कुछ लोग क्या है कि सैनिटाइजर का दाम बढ़ा दिए, मास्क का दाम बढ़ा दिए और सब्जियों का दाम बढ़ा दिए, लेकिन क्या उनकी आत्मा खुश रहेगी, उनको तो ये डर रहा होगा ना कि अगर देश में गलत हो रहा था हम इस गलत का क्या करें, फायदा उठाएं, लेकिन उनकी आत्मा कितना खुश रहेगी, वो अपनी जिंदगी में कितना हैप्पीनेस रहेंगे, नहीं ना, यही बात है। इसीलिए हम ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के सारे प्रावधान जितने प्राइम मिनिस्टर द्वारा जारी किया गया है किनके लिए, गरीब के लिए, उस सेक्शन के लिए जो क्या है, वल्नरेबल है, मतलब जिसकी जीवन अस्थाई नहीं है, उसमें पहला प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री क्या कहे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में जितने चिकित्सा क्षेत्र के, मेडिकल सेक्टर के जितने कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई स्पेशलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको हमारे साथ इस बीमारी के लड़ने में उसके शरीर पे कोई एक्सीडेंट होता है या चाहे उसकी डेथ होती है, तो उसको बीमा कवरेज दिया गया, कितने का, 50 लाख का, ताकि वो डट के हमारी अपने काम को क्या कर सकें, कर सकें। दूसरा प्रधानमंत्री प्रावधान किए हैं कैश ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, कैश ट्रांसफर। कैश ट्रांसफर का मतलब क्या है, जैसे भारत में पीएम किसान नाम की स्कीम चलती है, क्या चलती है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें ये कहा गया हर साल एक किसान को कितना पैसा दिया जाता है, 6,000 रुपए, इसके तीन बार जारी किया जाता है ना, लेकिन प्रधानमंत्री कहे कि पीएम किसान योजना के तहत जो आपको पैसे ट्रांसफर किया जाते हैं वो अप्रैल में ही अब ट्रांसफर कर दिया जाएंगे पहला, ताकि आपको इस समय जो लॉकडाउन के समय में आपके पास पैसे की कमी ना हो। दूसरा क्या किया है, जैसे क्या है कि आप लोग जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोले थे, क्या खोले थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोला गया था, जिसमें से 20,40,000 महिलाएं का अकाउंट है, कितने महिलाओं का, 20 करोड़ 20 लाख, गलती से निकलना, कितने 20 करोड़ 40 लाख महिलाओं का जनधन में अकाउंट है, जिनको 3 महीने तक क्या 500 रुपए किसके तरफ से जारी होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत। उसके बाद से क्या है,
मनरेगा में पहले पे 182 रुपया था, इसको 20 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी कि मनरेगा में कितना मिलेगा, 202 रुपया। यानी कि मनरेगा सेक्टर में काम करने वाले किसी भी आदमी को क्या होगा, 202 रुपया, 202 रुपया, 182 रुपया इस समय था ना, तो अब 20 रुपया बढ़ा दिए हैं तो कितना मिलेगा, 202 रुपया। उसके बाद से क्या हुआ कि एक स्कीम और लेकर आया है, फूड ग्रेन। जैसे भारत में फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कहा गया कि भारत भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम चलता ना, क्या चलता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी में 50%, टोटल कितना हुआ, लगभग 66% जनता को क्या किया जाता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लागू किया गया, जिसमें 5 केजी क्या मिलता है, 5 केजी एक आदमी को मिलता है। लेकिन इस समय देश में लॉकडाउन होने को जैसे कितना बढ़ा दिया गया है, 10 केजी, कितना हो गया है, 10 केजी, कितना कर दिया गया, 10 केजी, और इसके साथ 1 केजी दाल भी दिया जाएगा एक परिवार के तहत, एक परिवार को कितना मिलेगा, 1 केजी दाल। ये सब सारी स्कीम इसलिए बता रहे ना, ताकि कोई गरीब को, अगर ये गवर्नमेंट सीधे गरीब को दे रही है तो गरीब को उसका फायदा मिल सके, नहीं तो क्या है ना, कुछ लोग क्या करने लगेंगे, कहेंगे गरीब इतना ही देवे कर दिए सरकार, उससे ज्यादा तो देंगे ना लोग। उसके बाद क्या किया गया, एक और इस प्रावधान किया गया, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें एक और प्रावधान किया गया कि देश में जितने भी दिव्यांग है, कौन है दिव्यांग, कौन लोग हैं, कौन है दिव्यांग, बुजुर्ग या कोई महिला है जिसको क्या बोलते हैं, विधवा, क्या बोलते हैं, विधवा, उनको गवर्नमेंट 1,000 रुपया हर मंथ देगी, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए देगी, 3 महीने के लिए, किसको, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, ओल्ड सिटीजन जितने भी हैं भारत में, या कोई विधवा हो, उनको कितने देंगे, 3,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये देंगे, लेकिन हर महीने कितने देंगे, 1,000, यानी कि 3 महीने में कितना देंगे, 3,000 रुपये। दूसरा एक और प्रावधान किया गया है, इसमें क्या कहा गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह से गांव में महिलाएं काम करती है ना आपस में स्वयं सहायता समूह बना के, इनमें क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि वो बैंक से बिना कुछ सिक्योरिटी रखे 10 लाख का लोन ले सकती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 20 लाख। और क्या था, भारत में जो 8 करोड़ गरीब परिवार थे ना, 8 करोड़ गरीब परिवार थे, उन्हें एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी का 3 सिलेंडर, यानी कि 3 महीने के लिए एलपीजी के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, यानी कि सब ये क्या था। दूसरी चीज क्या था, 2 सेक्टर और बच गया था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और जिसका क्या है, वेतन 15,000 से कम है, उसकी वेतन का 25% हिस्सा गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके खाते में डाल देगी, ताकि अगर उसकी कंपनी बंद हो गई है तो वह असहाय ना रहे, उसके सहारा के रूप में उसके पास पैसे रहे, तो कितना डाल देगी, 25%, कितना, अगर मानते हो उसका सैलरी 10,000 है तो 2,500 रुपया उसको गवर्नमेंट दे देगी। तीसरा क्या ना, सबसे बड़ा स्कीम यह है कि मान लीजिए रियल सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसको हम कहते हैं ना कि जहां बिल्डिंग कहीं बन रही है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कहां जाते हैं, दिल्ली मुंबई कमाने जाते हैं, तो कहां काम करते हैं, रियल सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिनमें लगभग रजिस्टर कितने कर्मचारी हैं, 3 करोड़, 3.5 करोड़ कर्मचारी हैं, जिनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कही या राज्य सरकार को, उनके आप क्या करिए, पैसे प्रोवाइड करिए, क्या करिए, पैसे प्रोवाइड करिए। पहली चीज तो वो अपने घर नहीं गए, अगर वहां रुके हैं तो उन्हें उसके पैसे तो मिलने चाहिए ना, नहीं तो वो क्या होगा, कोरोना वायरस से कम लोग महामारी से ज्यादा मर जाएंगे, कोरोना वायरस से कम लोग महामारी से ज्यादा मर जाएंगे। और चौथा स्कीम एक और प्रावधान किया गया है, जो
क्या बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनता है, क्या बनता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है ना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या है ना, जो स्वास्थ्य है ना, क्या है स्वास्थ्य है वो राज्य का विषय है, क्या है राज्य का विषय, स्टेट विषय सब्जेक्ट है, लेकिन जब राज्य का विषय है तो स्वास्थ्य पे कौन काम करेगा, राज्य ही ना काम करेगा, लेकिन राज्य के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत पैसे कोरोना वायरस पे लोग खर्च करें, जैसे वेंटिलेटर खरीदना है या हॉस्पिटल की व्यवस्था करना है या बेड की व्यवस्था करना है, तो पैसे कहां से खर्च करें, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, क्या है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत, और बाद में गवर्नमेंट इसमें भी क्या करेगी पैसे डाल देगी, तो ये तो गवर्नमेंट कर दी उनके लिए, साथ ही साथ आरबीआई कुछ छूट दी है, आरबीआई क्या की है कि आप ईएमआई पे करते हैं मंथली, वो 3 महीने के लिए क्या हो जाएगा, बैंक आपसे ईएमआई नहीं मांगेंगे, ये तो हो गया प्रधान, और ये हो गया हमारी ये गवर्नमेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो जारी हुआ है, कितने का जारी हुआ, 1,70,000 करोड़ का, कितने का 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट, वो भी सिर्फ गरीबों के लिए, किसके लिए गरीबों के लिए, गरीबों के लिए क्या कहती थी, ये तो गवर्नमेंट कर रही है, हमारा काम क्या है, हम स्टूडेंट हैं, कोई टीचर है या तो कोई वर्कर है, जैसे क्या है अभी कुछ लोग दिल्ली मुंबई बंबई कमा रहे थे, वो लोग घर पे नहीं आ पा रहे हैं, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है राज्य गवर्नमेंट को कि उनको बीच बीच में आप व्यवस्था करते रहिए, कुछ लोग पैदल निकल चुके हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा की इंतजाम आप लोग करते रहिए, क्योंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, तो ये कहा है कि अगर ये बातें उन तक पहुंचेगी ना, तो गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, भले से मैं काम नहीं दे रही लेकिन गवर्नमेंट हमें क्या करेगी पैसा देगी, तो शायद वो लोग क्या करेंगे, लोग वहां पे रुक जाएंगे, भागने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कहानी कहां से स्टार्ट किए थे, कहानी स्टार्ट किए थे, कहानी कहां से स्टार्ट किए थे, कहानी कहां से स्टार्ट किए थे, आईटी गांधी की, एक चीज ध्यान से सुनिए, कभी भी ना हो किसी भी चीज के लिए, कहते हैं कि वक्त नहीं बुरा होता, वक्त बुरा नहीं होता, अगर 1665 में ब्रिटेन में अगर बिबोनिक नाम की महामारी नहीं आती, तो शायद आज ग्रेविटी का रोल, ऑप्टिक्स का रोल और कैलकुलस का रोल दुनिया में नहीं रहा होता, ये भाग दौड़ जिंदगी में ना आदमी को आराम मिलना भी जरूरी होता है, कभी कभी अपने को पहचानने के लिए ना आदमी को क्या होना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है, ताकि आदमी अपने आप को खुद को पहचाने कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत ही स्टूडेंट होंगे जिनका बैकलॉग बहुत ज्यादा होगा, बहुत चीजें छोड़ दिए होंगे, बहुत चीजें कवर नहीं कर पाते होंगे, तो क्या कर सकता है, उसको कवर कर सकता है, क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, लेकिन क्या फिर भी हम दिन भर बैठ के घर पे क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, आपको जो ड्यूटी दिया गया, अगर डॉक्टर स्टाफ अगर सरकार कहती कि अभी हम 50 लाख अगर उनको सिक्योरिटी नहीं देती तो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं सही से, नहीं करते ना, सब देश में क्या हो जाता, तो अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तब ये भी सोच लीजिए कि हमारे भी सोसाइटी के प्रति क्या है कुछ दायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो ये कहानी इसीलिए मैं सुना रहा था कि आइज़ैक न्यूटन, अगर आइज़ैक न्यूटन हुए ना, देख ब्रिटेन में बिबोनिक नाम की महामारी से, इसमें कुछ लोग क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, जब समस्याएं आती हैं तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, बस वही बात है कि वक्त बुरा नहीं चल रहा होता, इंसान को वक्त बदलने की, वक्त को अपने फेवर में करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग को क्या लग रहा है, 21 दिन में कुछ तो नया सीखेंगे हम भी ना, क्या करेंगे, हम भी नया सीखेंगे, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे।
कुछ चीजें अपने फेवर में करेंगे, क्योंकि याद रख लीजिए, इसीलिए हम जब कभी इतिहास आपको पढ़ाते हैं ना, जब इतिहास पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इन सब चीजों को समेटने की कोशिश कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये कहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। अगर किसी को आरटी गांधीनगर को ये बात नहीं पता होता कि जब बिबोनिक नाम की महामारी आई थी तब सके न्यूटन ने दुनिया के फार्मूला दिया, तो आज आपको समझा रहे होते हैं हम, या प्रोजेक्ट वो चला रहे होते हैं? नहीं चला रहे होते। कभी कभी इतिहास की नॉलेज इसीलिए होता है कि उन परिस्थितियों, क्योंकि इतिहास हमें सिखा देता ना कि ऐसे बहुत सी परिस्थिति आई है, उस समय के लीडर ने कौन से प्रावधान निकाले, उस समय की अच्छे लोग कौन सी नीतियां अपनाए, इसीलिए तो आईटी गांधीनगर प्रोजेक्ट चला रही है, ताकि हम और आप अपने घर में बैठकर कुछ अच्छा क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लगभग 40% स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी किए हैं, लगभग 40% आईटी गांधीनगर वो बैठे नहीं घर पे, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, म्यूजिक सीख लेंगे या कोई नया स्किल डेवलप कर लेंगे, सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगी, ठीक है? तो हम लोग कोरोना वायरस के समय क्या करें, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई कर ही लेते हैं।